हेलो फ्रेंड्स एंड ऑल कैंडिडेट्स ऑफ बिहार सीईटी बीएड 2020। फ्रेंड्स जैसा कि आप सभी को पता होगा, आप लोगों का सीईटी बीएड का एग्जाम 22 सितंबर 2020 को हो चुका है। और यदि आप अपना आंसर की पाना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। इस वीडियो में जो आपका पहला सेक्शन जनरल इंग्लिश कम्प्रीहेंशन से जो 15 क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके 100% करेक्ट आंसर के साथ ये वीडियो प्रोवाइड करवा रहा हूँ। इसके बाद जो आपका सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4 और सेक्शन 5 है, उन सभी का आंसर की आप लोगों को प्रोवाइड करवा दिया गया। आप इस चैनल पे जाकर उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। लास्ट जो है आपका केवल सेक्शन 1 बच गया था, तो समय के अभाव में मैं नहीं बना पाया था, तो इस वीडियो में आप लोगों को आंसर बता रहा हूँ। तो आप अपने आने वाले रिजल्ट से जुड़ी इन्फॉर्मेशन अपडेट पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बिल को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको हर एक आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन अपडेट मिलती रहेगी। तो चलिए बिना समय वेस्ट किए सबसे पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि यहाँ पे कहता है कि फाइंड द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग इन गिवन आइटम्स। कहता है कि अपोजिट इन मीनिंग, मीनिंग में जो है अपोजिट होना चाहिए, जो वर्ड दिया गया है उसका अपोजिट वर्ड आपको खोजना है। तो पहला है कि द टीचर वॉज हैप्पी विद द स्टूडेंट। तो यहाँ पे हैप्पी को आपका आप देख सकते हैं इन्वर्टेड कॉमा में लिया गया, तो इसका अपोजिट क्या होगा? हैप्पी का मतलब खुश होता है, तो उसका दुखी हो जाएगा। हैप्पी मतलब खुशी और इसका हो जाएगा सैड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि द सोल्जर वॉज काइंड, मतलब काइंड का उल्टा, काइंड का मतलब दयालु होता है तो क्रूएल हो जाएगा, क्रूर। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आप तीसरा नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, कहता है कि आउट ऑफ द गिवन अल्टरनेटिव्स इन बिलो गिवन आइटम्स चूज द करेक्ट ऑन रिफ्लेक्टिंग मीनिंग आपको देना है। रिफ्लेक्टिंग मीनिंग देना है कि उसके लिए एक रिफ्लेक्टिंग मीनिंग क्या होगा। तो कहता है एनिमल्स दैट कैन लिव ऑन लैंड एंड वाटर, मतलब वैसा एनिमल जो भूमि एवं जल दोनों में रहते हैं, तो उसको आप कहते हैं एम्बिवियस। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। उसके बाद देखिए चौथा क्वेश्चन है कि यहाँ ये आपका हिंदी में आप पढ़े होंगे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तो वही है यहाँ पे। कहता है कि कस्टम ऑफ हैविंग मेनी वाइफ्स, तो इसको कहते हैं पॉलीगेमी। मेनी वाइफ्स जिसमें होते हैं, जिस कस्टम में, तो इसको पॉलीगेमी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। पांचवा क्वेश्चन है कि अ थिंग विच इजली कैचेज फायर, मतलब वैसा वस्तु जो आसानी से फायर कैच करता है, तो उसको कहते हैं इनफ्लेमेबल। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आप देख सकते हैं सिक्स नंबर क्वेश्चन, एन अनमैरिड मैन, जो अविवाहित व्यक्ति होते हैं उसको आप बैचलर कहते हैं। बैचलर का मतलब होता है कुंवारा या कुंवारी। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बैचलर। एन अनमैरिड मैन, अविवाहित व्यक्ति को बैचलर कहा जाता है। और आप सभी को पता होगा जो अविवाहित महिला होती है या लड़की होती है उसको वर्जिन कहा जाता है, तो इस तरह से आप लोग याद रखेंगे। अब देखिए यहाँ पे सातवां प्रश्न है कि एनिमल्स दैट फीड ऑन ग्रास, मतलब वैसा एनिमल जो केवल घास खाता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने यहाँ पे कार्निवोरस कर दिया होगा, जो कि बिल्कुल गलत है। जो केवल घास खाता हो, घास पे डिपेंड हो, तो उसको कहते हैं ग्रैमिनिवोरस। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ग्रैमिनिवोरस। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आठवां प्रश्न है, वी मस्ट गिव अप, गिव अप का मतलब होता है त्यागना। तो यहाँ पे गिव अप के लिए जो है समान वर्ड आपको देना है, मतलब सेम जिसको आप साइनो कहते हैं, सिनोनिम्स। तो देखिए गिव अप मतलब त्याग देना और लीव का मतलब भी होता है छोड़ना। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नौवां प्रश्न है कि सरदार पटेल वॉज आयरन मैन, उनको आयरन मैन कहा जाता है, मतलब सरदार पटेल को, जो भारत के जो है पहले गृह मंत्री थे। यहाँ पे देखिए इसका अर्थ होगा कि अ मैन ऑफ फर्म डिटर्मिनेशन, मतलब जो दृढ़ संकल्पित हो। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दसवां क्वेश्चन है, द बॉय वाज नॉक्ड डाउन बाय द ट्रक। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, पुश्ड, मतलब ट्रक को जो है ट्रक के द्वारा पुश किया जाता है, नॉक डाउन किया जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं, यहाँ पे दसवां प्रश्न हो गया, अब केवल पाँच प्रश्न रह गया है। तो यहाँ पे ग्यारह नंबर प्रश्न आप देख सकते हैं, टू रीड बिटवीन द लाइन्स। तो इसको कहते हैं कि अगर आप बिटवीन लाइंस के बीच में अगर हम पढ़ते हैं, पढ़ना को कहते हैं कि टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग ऑफ द राइटर, मतलब राइटर के हिडन मीनिंग को हम समझते हैं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बारह नंबर प्रश्न है कि वन शुड नोट मेक इरेलीवेंट रिमार्क्स। तो इसको कहते हैं नोट बींग टू बी टू द पॉइंट। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तेरह नंबर प्रश्न है, वर्क हार्ड डैश यू शुड फेल, मतलब वर्क हार्ड आप जो है कठिन परिश्रम कीजिए, नहीं तो आप फेल हो जाएंगे, तो उसके लिए लिस्ट का प्रयोग होता है, तो वर्क हार्ड लिस्ट यू शुड फेल। उसके बाद कहते हैं कि वी सेल्ड, तो वी सेल्ड डाउन द रिवर, हम जो है नदी के नीचे जो है तैरते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वी सेल्ड डाउन द रिवर। इसके बाद एट लास्ट ही यील्डेड, यहाँ पे इसमें कुछ ऑप्शन क्लियर नहीं हो पा रहा है, यहाँ नीचे देखते हैं, तो इसमें नीचे है ही यील्डेड टू द टेम्परेचर हो जाएगा यहाँ पे। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब आगे ये आपका हो ही गया, 15 नंबर का जो है सी हो जाएगा। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। बाकी आप अपने रिजल्ट एवं काउंसलिंग से जुड़ी हर एक प्रकार की इन्फॉर्मेशन अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए। मिलते हैं नए वीडियो में इसी तरह के आने वाले नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।